अरे पीछे हो जाओ यार थोड़ा सा, भैया मार्क्स नीचे करा थोड़ा, भैया मार्क्स मार्क्स नीचे करा। मैं आप लोगों को पहले इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड संज्ञान में डालना चाहूँगा। आप लोगों को विदित है कि पूर्व में पिछले महीने लगभग 26 या 27 तारीख को हम लोगों ने एक गैंग पकड़ा था, जिसमें कॉल एक्सचेंजर के माध्यम से डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को ना केवल रेवेन्यू का लॉस हो रहा था, कॉल्स थी उनको रिकॉर्ड करके बात कराई जा रही थी, जिससे जो उसकी एनोनिमिटी है वो बढ़ जाती थी और बेसिकली जो नंबर एक्चुअली जिससे कॉल हो रहा है वो पता नहीं लग पाता था। उस केस के रजिस्ट्रेशन में तीन जगह हम लोगों ने वैसे कॉल सेंटर्स पकड़े थे और उसमें टोटल 6 लोग अरेस्ट हुए थे। उसी इन्वेस्टिगेशन के क्रम में हम लोगों की टीम ने जब उसको चीज़ों को आगे बढ़ाया तो उसमें पता लगा जो उसमें मेन व्यक्ति जो गिरफ्तार हुआ था उवैश आलम, जो कि मुरादाबाद का रहने वाला है, उसके नाम से आइटम टावर में एक और ऑफिस स्पेस बुक था। जब फर्दर हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन की तो पता लगा वहाँ पर भी एक इस तरह का फर्जी कॉल सेंटर चल रहा था। उसके क्रम में अंकुश आरी और शाहनूर, ये दो व्यक्तियों को हमने आज हमारी टीम ने अरेस्ट किया है और इनके पास से वहाँ जो मैं बता रहा हूँ जो ऑफिस स्पेस है आईटम टावर में, वहाँ से बहुत सारे यूपीएस, हार्ड डिस्क और राउटर्स और बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद हुए हैं, जिसका विवरण प्रेस नोट में उपलब्ध है। इसके अलावा 39,04,000 रुपये कैश इन लोगों के पास से बरामद हुआ है। इनका जो मोडस ऑपरेंडी था, अगर हम मोडस ऑपरेंडी की बात करें तो ये लोग यहाँ पर जो कॉल सेंटर चला रहे थे, उस कॉल सेंटर में ये लोग जो विदेशी लोगों से, खास तौर से US, UK, ऑस्ट्रेलिया, इन कंट्रीज के लोगों को वहाँ की डिटेल्स डाटा इनको प्रोवाइड करा था एक वाजिद नाम पर व्यक्ति, और उस डाटा और उस मोबाइल नंबर के माध्यम से ये उनको संपर्क करते थे और वहाँ की लोकल टैक्सेशन एजेंसी का हवाला देते हुए उनको बेसिकली ये प्रभावित करते थे और ये पूरी तरह से एक तरीके से अपने चंगुल में इस तरीके से फंसा लेते थे कि वो कन्विंस हो जाएं कि ये टैक्सेशन डिपार्टमेंट से ही बोल रहे हैं। और उसी में एक इनका जो और अभियुक्त है विकास नाम का व्यक्ति, वो उस पैसे को जो गिफ्ट कार्ड से था उसको फॉरेन करेंसी को इंडियन करेंसी में एक्सचेंज करके अपना कमीशन काट के इनको वो कैश प्रोवाइड कराता था। वही कैश जो इन लोगों का टर्नओवर मंथली इन लोगों के हिसाब से काफ़ी लाखों में है, और उस कैश
में से ही जो ये बरामदगी है ये आप लोगों के सामने मौजूद है। सर विकास की गिरफ्तारी हो गई या अभी आप लोग क्या कर रहे हो? देखिए अभी जैसे मैंने बताया अभी हम लोगों को दो अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं जिसमें शाहनूर और अंकुश बारी, ये दो व्यक्ति अभी हमने गिरफ्तार किए हैं। इनसे पूछताछ में अभी और कुछ लोगों का नाम आया है जिसमें वाजिद और विकास, ये दो लोग मुख्य हैं। और भी बहुत सारे लोग इससे कनेक्टेड हो सकते हैं क्योंकि अभी इनको हम लोगों ने अरेस्ट किया है। जाहिर सी बात है अभी और इंटरोगेशन करेंगे तो और भी चीज़ें निकल के सामने आएंगी। जैसा कि आपने देखा पिछली बार वाले वर्कआउट के बाद ये चीज़ें इन्वेस्टिगेशन में और सामने आई, तो इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि इसके क्रम में कुछ और नए तथ्य अगर सामने आएंगे तो वो हम आपको कौन कौन से को टारगेट कर